आज दिल्ली की समस्त जेजे कॉलोनी, अनधिकृत कॉलोनी और यमुना खादर के आसपास रह रहे लोग आज अपनी जमीन का मालिकाना हक मांगने के लिए यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं और आज अपने इसी हक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, संसद कूच कर रहे हैं। कई बार इससे पहले भी प्रोटेस्ट हुआ लेकिन यहाँ उनकी जब नहीं सुनी तो आज इन्हें मजबूरन इस तरह जंतर मंतर पर सत्याग्रह करना पड़ा और अब ये संसद की ओर कूच कर रहे हैं अपने हक के लिए। क्या कुछ कहना है इनका, ये बात करते हैं, जानना चाहूंगी। इससे पहले भी आपने प्रोटेस्ट किया, आज सत्याग्रह कर रहे हैं, क्यों? दिल्ली के समस्त जेजे कॉलोनी, अनऑथराइज कॉलोनी और यमुना खादर के जो लोग हैं उनको जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए भू अध्यादेश की मांग हम लोग कर रहे हैं। पिछले एक वर्ष से सरकार नहीं सुनी, इसलिए हम लोग आज प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं और हम लोग संसद मार्च की तैयारी में आगे बढ़ रहे हैं। आज आपके साथ दिल्ली के ये सभी लोग हैं, करीब कितनी इनकी संख्या है और करीब कितने लोग जो हैं आज अपने हक के लिए लड़ रहे हैं? दिल्ली के जो भी हमारे 1700 अनऑथराइज कॉलोनी है और 650 के आसपास जो जेजे क्लस्टर है और जो 21 किलोमीटर यमुना खादर हैं, करीब करीब सभी जगह से हमारे पास 2-4 प्रतिनिधि हैं। टोटल संख्या हमारे पास यहाँ पर 4500 लोगों की संख्या है और कुछ लोगों को तो पुलिस ने रोक दिया है, ट्रैफिक पुलिस ने, तो कुछ लोग रास्ते में रह गए हैं, बाकी लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। हम लोग सब जल्दी से जल्दी आगे बढ़ के और इस मांग को हम लोग संसद भवन की तरफ, भू अध्यादेश की मांग आप रख रहे हैं? हाँ, भू अध्यादेश लाओ, दिल्ली बचाओ हमारी मांग है। और आज नहीं, ये मांग 350 दिन होने को आए तो यानी 22 दिन कम 365 दिन हो जाएंगे। सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, हमने केजरी यानी कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचा जिसको हमने अपना मेमोरेंडम थमाया ना हो और हमने अपनी मांगे नंबर बताई हो। बावजूद उसके जब उन्होंने नहीं लिया तो आज हम जंतर मंतर पर भू अध्यादेश लाओ और इनका मालकाना हक जो हमारे कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अध्यादेश लाने की मांग की जा रही है। आपको अपना रास्ता कितना आसान दिख रहा है? हमको ये रास्ता आसान दिख रहा है कि जिस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ने के लिए कि आप हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, लेकिन बट आज लोकतंत्र है, मैं सब साथियों से और सब साथी मेरे साथ हैं कि आप हमें सहयोग दो, हम तुम्हें भू अध्यादेश का अधिकार दिला कर रहेंगे। यहाँ कई ऐसे परिवार हैं सालों से यहाँ रह रहे हैं, अब इस तरह से सरकार का ये रवैया क्या दिखाता है? सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनहीन दिखाता है कि सरकार को जनता से कुछ नहीं लेना देना, केवल उनके अपने वोट से लेना देना है और अब जनता इनको सबक दिखा के रहेगी, इनका वोट अब जनता बिल्कुल भी नहीं देगी, इनकी सत्ता को हिला के रखेगी, सत्ता को हिला के रखेगी। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में आज ये दिल्ली के सभी इलाकों से लोग जुटे हैं, दिल्ली की समस्त जेजे कॉलोनियां हैं, दिल्ली की सभी अनधिकृत कॉलोनियां हैं और करीब 4500-5000 की संख्या में ये लोग हैं जो इकट्ठा हुए हैं और भू अध्यादेश की मांग के लिए आज ये लोग यहाँ इकट्ठा होकर संसद कूच कर रहे हैं। कैमरामैन ललित के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।